साल के पहले दिन ही भोगांव पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भोगांव पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में यहां शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस अभिरक्षा में मौजूद यही वो दोनों अभियुक्त हैं जो लंबे समय से अवैध शस्त्र बनाने का कारोबार कर रहे थे। लगातार पुलिस को अवैध शस्त्र बनाए जाने की सूचनाएं मिल रही थीं, जिस पर कार्रवाई करते हुए आखिरकार पुलिस ने वर्ष 2023 की शुरुआत के पहले दिन ही सफलता हासिल कर ली। भोगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के हसनपुर गाँव के सामने बेबर रोड पर बनी खंडर की बिल्डिंग में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने यहाँ अवैध शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण भी बरामद किए। कुछ बने हुए शस्त्र तो कुछ अधबने शस्त्र भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले इन दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपना नाम मुन्नालाल शर्मा पुत्र कल्याण सिंह अंशुल पुत्र मलखान सिंह निवासीगण वीरपुल बताए हैं। एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री के भंडाफोड़ को लेकर क्या कुछ बताया, ये जरा आप भी सुनिए। अवैध ढंग से संचालित शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, मुन्नालाल और अंशुल। काफ़ी दिनों से इनके बारे में जानकारी मिल रही थी कि ये अवैध ढंग से शस्त्र निर्मित करके और अपराधियों को बेच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर डेवलप करके मौके से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से निर्मित अर्धनिर्मित राइफल और तमंचा और साथ ही सामान काफ़ी सब सामान बरामद हुआ है जो शस्त्र फैक्ट्री में इनके उपयोग में लाया जा रहा था। पूर्व में भी इसमें जो मुन्ना लाल है ये कई बार शस्त्र फैक्ट्री में पकड़ा जा चुका है और फिर भी यही काम कर रहा था। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।